तो आज हम कंपेयर करेंगे यामाहा MT-15 एंड KTM ड्यूक 200 को। MT-15 में आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है और ड्यूक 200 में आपको 199cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है। अगर हम पावर के बारे में बात करें तो MT-15 प्रोड्यूस करती है 18.4 bhp एंड 14.2 nm ऑफ टॉर्क। ड्यूक 200 प्रोड्यूस करती है 24.6 bhp की पावर एंड 19.2 nm ऑफ टॉर्क। MT-15 में आपको 40-45 kmpl का माइलेज मिलता है और वही ड्यूक 200 में आपको 30-35 kmpl का माइलेज मिलता है। MT-15 की टॉप स्पीड है 140-145 किलोमीटर पर आवर, वही ड्यूक 200 की टॉप स्पीड है 130-135 किलोमीटर पर आवर। और इनमें से आपकी फेवरेट बाइक का नाम कमेंट करो।